हेलो गाइस, आई एम सौम्या सोनी एंड यू आर वाचिंग न्यूरा। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म इन बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया ऑलरेडी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में, मीन्स किसी का भी अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म फाइंड करने का क्या तरीका है, ओके, हम ये देखने वाले हैं। साथ में जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी कंसेप्ट के ऊपर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनमें से जो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप देखते ही उनका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं यहां पर नहीं करवाने वाली हूं, वो आप ऑलरेडी देख लीजिएगा। हम यहां पर कुछ अच्छे-अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को आप देखिएगा, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि ये कांसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म होता क्या है, भाई मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे। ओके, व्हाट इज मिडिल टर्म? तो मिडिल टर्म का मतलब ये होता है भाई, कौन सा टर्म अगर हम देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, कौन सा टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा है या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आपको पता है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्लस बी टू द पावर एन, देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है कि इफ एन इज इवन, इफ एन इज ऑड, तो उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करेगा कि भाई मिडिल टर्म कौन सा है। देखो कैसे, क्योंकि आपको पता है कि भाई कि नंबर ऑफ टर्म्स है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, दिस इज वन मोर देन द इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स क्या है, एन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन प्लस वन होंगे। अब देखिए हम केस बना लेते हैं, लेट सपोज वी आर टेकिंग टू केस, केस नंबर वन इफ एन इज इवन, If n is even, अगर n आपका even है तो number of terms कितने होंगे, number of terms आपके होंगे n plus 1, और n plus 1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा odd, means number of terms कितने हो रहे हैं, odd हो रहे हैं। जब भी आपके पास number of terms odd होते हैं then you will get only one middle term। जैसे कि आप देखना चाहें, let suppose कि हमने ले लिया n equal to 6, तो number of terms कितने हुए, n plus 1, this is equal to 7, means we have 7 terms like t1, t2, T3, T4, T5, T6, T7। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही मिडिल टर्म है T4, बिकॉज 4 के पहले 3 टर्म एंड T4 के बाद 3 टर्म्स, समझ रहे हैं, T4 के पहले हमारे पास 3 टर्म्स हैं एंड T4 के बाद भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो ये वाला टर्म आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ठीक है, लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज वी आर टेकिंग n इक्वल टू, लेट सपोज वी आर टेकिंग n इक्वल टू 8, ओके, सो वी विल हैव भाई n प्लस 1 मींस नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट बाइनोमियल एक्सपेंशन दैट विल बी इक्वल टू 9, ओके, सो वी विल हैव T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, ओके, अब कोई मुझे बताएगा क्या कि भाई इसमें कितने मिडिल टर्म्स हैं, इसमें भी आपके पास एक ही मिडिल टर्म होगा। देखिए कौन सा मिडिल टर्म होगा, दैट विल बी T5, क्योंकि भाई T5 से पहले हमारे पास 4 टर्म्स हैं और T5 के बाद हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म क्या हुआ, T5 हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेन एवर नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने के लिए हमारे पास एन क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा, वो मिडिल टर्म क्या होगा, देखिए अगर यहां पर देख सकते हैं तो ये मिडिल टर्म क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन 7 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, मीन्स यहां पर देख सकते हैं आप, ये हमारा यहां पर देखना 7 प्लस 1 अपॉन 2th का मतलब क्या हो गया, इट इज 8 बाई 2th, मीन्स 4th टर्म आ रहा है। ओके, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, यहां पर देखिए अच्छे से, तो यहां पर अगर हम करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 9, तो 9 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो आपको क्या मिलेगा, 10 बाई 2 मींस 5th टर्म, और देख सकते हैं कि 5th टर्म ही आपका मिडिल टर्म है, तो मींस इस केस में हमारे पास मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स मींस n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, दैट विल बी आर मिडिल टर्म, मीन्स मिडिल टर्म आपका हो जाएगा, मिडिल टर्म विल बी टी एन प्लस 2 अपॉन 2, ओके, तो मिडिल टर्म विल बी टी एन प्लस 2 अपॉन 2। अब इसको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल यहां पर ये याद करने वाली बात है, या फिर आपको समझ में आ गया होगा तो खुद से समझ लेंगे, जैसे कि मैंने लेट्स सपोज वैल्यू दे दी 10, तो अगर 10 होगी इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 11, तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 मींस 12 अपॉन 2, तो 6th टर्म आपका क्या होगा, दैट विल बी योर मिडिल टर्म, तो इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको याद भी कर सकते हैं भाई, टी एन प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज योर मिडिल टर्म। अब देखिए ये तो हमारा था केस नंबर 1 व्हेन n is even, अब देखिए दूसरा केस आता है आपका when n is odd, ठीक है, तो जब आपका n odd होगा तो उस केस में हम क्या देखेंगे, चलो देख लेते हैं उसको भी, तो केस नंबर 2 हम ले लेते हैं जल्दी से,
सो योर केस नंबर टू इज व्हेन, केस नंबर इसको टू लिख देती हूँ मैं, व्हेन एन मीन्स जो आपका इंडेक्स है दिस इज ऑड. अगर n आपका ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n प्लस वन एंड दैट विल बी इवन. तो n प्लस वन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी इवन. अब जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो रहे हैं तो इस केस में अच्छे से देखो कि क्या आपको कितने मिडिल टर्म मिलेंगे. देखिए अगर लेट्स सपोज वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 7 देन वी हैव नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू 8. ऑब्वियसली वो 8 होगा. तो हमारे पास जब 8 टर्म होंगे तो मीन्स वी विल हैव t1 t2 t3 t4 T5, T6, T7, T8. तो अब देखो हमारे पास क्या, हमारे पास एक मिडिल टर्म है या दो मिडिल टर्म है. अब देखना कोई कहेगा भाई T4 मिडिल टर्म है और कोई कहेगा T5 मिडिल टर्म है. अगर कोई T4 मिडिल टर्म बोल रहा है तो वो कह रहा है उसके पहले 3 टर्म उसके बाद 4 टर्म. अगर कोई T5 बोला तो क्या बोला, उसके पहले 4 टर्म्स उसके बाद 3 टर्म्स. तो यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा. इसीलिए हम क्या कहेंगे भाई, हमारे पास ये दोनों ही हमारे क्या है मिडिल टर्म है. क्योंकि अगर इन दोनों को कंबाइंड देखते हैं तो इन दोनों से पहले 3 टर्म और इन दोनों के बाद हमारे 3 टर्म्स हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखना 4 और 5 कैसे आएगा. तो 4 को तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 मीन्स 8 बाई 2th टर्म. ठीक है, 4th टर्म. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आराम से लिख सकते हैं भाई 8 प्लस 2 अपॉन 2th टर्म. या फिर हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई दिस इज 8 बाई 2 प्लस 1th टर्म मीन्स ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर 5th टर्म और ये आपका क्या है 4th टर्म है. ठीक है, अब देखिए इसको जैसे कि लेट सपोज वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल. लेट सपोज वी हैव n इज इक्वल टू 9 सो वी विल हैव नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 सो वी विल हैव 10 टर्म्स. उस केस में देखिए अच्छे से, इन दैट केस वी विल हैव 10 टर्म्स मीन्स t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 T10. अब देखिए हमारे पास कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे, हमारे पास भाई ये दोनों मिडिल टर्म होंगे कौन कौन से, T5 एंड T6, क्योंकि इन दोनों के पहले 4 टर्म, इन दोनों के बाद देखो तो 4 टर्म. अब देखिए इसको हम क्या लिखना चाहेंगे, T5 को तो हम लिख देंगे भाई नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स 10 अपॉन 2th टर्म मीन्स आपका डायरेक्टली आ गया कौन सा 5th टर्म आ गया है. अब देखो इसको हम क्या लिखना चाहेंगे, इसको हम लिखना चाहेंगे 5 प्लस 1th टर्म. तो 5 प्लस 1th टर्म को हम क्या लिख देंगे सीधा 10 बाई 2 प्लस 1th टर्म. तो ये आपका आ जाएगा 6th टर्म. क्या मेरी बात समझ रहे हैं. तो बाय ऑब्जर्विंग दिस सिमिलैरिटी मतलब इस पैटर्न को हम देखते हुए हम क्या कह सकते हैं भाई कि इफ n विल बी ऑड वी विल हैव टू मिडिल टर्म्स, वी विल हैव टू मिडिल टर्म्स होंगे हमारे पास, टू मिडिल टर्म्स होंगे. ओके, अब देखिए दो मिडिल टर्म्स होंगे कौन कौन से होगा, एक तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2th टर्म. देख रहे हैं क्योंकि 8 बाई 2th टर्म 4th टर्म, यहाँ पर 10 बाई 2th टर्म मीन 5th टर्म. तो एक तो हमारे पास हो जाएगा भाई टी नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, तो ये वाला टर्म. तो नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n प्लस 1 अपॉन 2th, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा, इसके जस्ट एक बाद वाला टर्म. तो इसके जस्ट एक बाद वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे, टी n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म मीन्स जो ये टर्म है इसके जस्ट एक बाद वाला टर्म. जैसे कि मैंने बोला T5, तो T5 के बाद वाला टर्म क्या होगा, T6 इसको हम लिख सकते हैं T5 प्लस 1, तो वही मैंने लिखा हुआ है. तो आपके यहाँ पर दो मिडिल टर्म आएंगे. अब जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन में कि भाई आपका n क्या हो गया, जैसे ही आपने देखा n इज ऑड, जैसे कि लेट्स सपोज वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 10 हुए. तो एक टर्म तो आपका हो जाएगा 10 बाई 2th टर्म मीन्स T5 और एक उसके जस्ट बाद वाला टर्म, जस्ट बाद वाला टर्म मीन्स कौन सा हो गया T6. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने के बाद एक क्वेश्चन देखती हूँ सिर्फ मैं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर काफी प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल गए हैं. तो एक क्वेश्चन मैं अभी देखती हूँ, फिर प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसके जस्ट बाद स्टार्ट ही कर देते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्वेश्चन जेई एडवांस के हों चाहे वो क्वेश्चन जेई मेन के हों. इनफैक्ट मैं तो अभी पहले मुझे लगता था कि सिर्फ जेई एडवांस में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जेई मेन में अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं. लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना ऑब्जर्वेशन देखा तो मैंने पाया कि भाई जेई एडवांस में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन बन सकता है एंड जेई मेन में भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन
क्वेश्चन बन सकता है. तो इट डिपेंड्स भाई कि क्या होता है कि पेपर को वो लोग नॉर्मल लेवल का बनाते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं हार्ड लेवल के, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारे पास बहुत ही मीडियम लेवल के होते हैं और कुछ बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं. तो वो तो डिपेंड करता है भाई किस टाइम पे आपका आसान क्वेश्चन फंस गया, किस टाइम पे आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन फंस गया, किस टाइम पे मतलब एक एवरेज क्वेश्चन फंसा है. ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को. उससे पहले हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे. लेट सपोज, जैसे कि मैंने बोला कि फाइंड दी मिडिल टर्म ऑफ, जैसे कि हमने बोला फाइंड दी मिडिल टर्म, फाइंड दी मिडिल टर्म, फाइंड फाइंड दी मिडिल, फाइंड इसको अच्छे से मिटा नहीं पाया, वन मिनट सॉरी, फाइंड दी मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसके एक्सपेंशन में फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3a, 3a माइनस ए क्यूब अपॉन 9, ए क्यूब अपॉन सॉरी ए क्यूब अपॉन 6, ए क्यूब अपॉन 6 होल टू द पावर 9. तो आपको इसमें मिडिल टर्म बताना है भाई कि मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे. अब देखना इसके बाद, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो 9, सॉरी आपके पास पावर आपकी क्या है, पावर मीन्स इंडेक्स इज 9, 9 इज ऑड, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 10 होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, देन वी विल गेट टू मिडिल टर्म्स. एक तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, मीन्स एक तो आपके पास हो जाएगा 10/2h टर्म, तो 10/2h टर्म का मतलब क्या हुआ आपका फिफ्थ टर्म, और एक आपका हो जाएगा कौन सा 5+1 टर्म मीन्स सिक्स्थ टर्म, कौन सा हो जाएगा सिक्स्थ टर्म. तो आपके पास दो मिडिल टर्म आ रहे हैं, एक आपका आ रहा है T5 और दूसरा आपका आ रहा है T6. अब देखिए T5 को हम क्या लिख सकते हैं, T5 को हम लिख सकते हैं T4+1, इसको लिख सकते हैं T5+1, आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हमारा जनरल टर्म होता है इन टर्म ऑफ TR+1. तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी मिल गई 4, तो वी विल गेट 9C4 3A, मीन्स इसकी पावर कितनी आएगी हमारे पास 9-4 मीन्स 5, एंड माइनस ऑफ ए क्यूब अपॉन 6 इसकी पावर R मीन्स इसकी पावर 4. नेक्स्ट टर्म आपका होगा 9C5. ओके, अब जब ये 9C5 हो गया है तो आपके पास क्या हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा 3A की पावर 9-5 मीन्स 4, एंड यहाँ पर होगा माइनस ऑफ ए क्यूब अपॉन 6 इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 5. देखिए हमने क्या किया, बस वैल्यूज पुट कर दी, आपका यहाँ पर क्या आ गया आंसर आ गया है. ठीक है, अब देखिए इसको अच्छे से देखिए कि भाई आपके पास दो मिडिल टर्म होंगे, लेकिन किसी किसी बच्चे के पास एक कन्फ्यूजन आता है कि अगर हमारे पास दो मिडिल टर्म हैं तो क्या ये दोनों मिडिल टर्म बराबर हैं, क्या इनकी वैल्यूज इक्वल होगी. नो, हम नहीं कह सकते कि भाई इन दोनों मिडिल टर्म की वैल्यू इक्वल होगी, वी कांट से, क्योंकि भाई अगर ओवरऑल वैल्यू देखेंगे, जैसे कि हमने ए की कुछ भी वैल्यू रखी तो ए की कुछ भी वैल्यू रखी तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन जो उनके बाइनोमियल कोफिशियंट से, देखिए अगर मैं बोल रही हूँ कोफिशियंट, तो कोफिशियंट का मतलब मींस, जैसे कि मैंने बोला कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 12 मींस व्हाटएवर इज मल्टीप्लाइड विद एक्स टू द पावर 12 विल बी इट्स कोफिशियंट, मींस एक्स टू द पावर 12 के साथ जो भी मल्टीप्लाइड होगा पूरा हम देखेंगे इकट्ठा, तो वो आपका क्या आ जाएगा, दैट विल बी कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 12. ओके, अब मैंने बोला बाइनोमियल कोफिशियंट, तो बाइनोमियल कोफिशियंट का मतलब मेरा है सिर्फ और सिर्फ NCR, सिर्फ उससे. तो यहां पर देखना बाइनोमियल कोफिशियंट क्या हो रहा है 9C4, और यहां पर क्या हो रहा है बाइनोमियल कोफिशियंट 9C5. तो यहां इन दोनों केस में क्या इक्वल हो रहा है, इन दोनों केस में हमारे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है दीज आर इक्वल, बिकॉज 9C4 दिस इज इक्वल टू 9C9-4 मींस 9C5, ये दोनों आपके क्या होंगे बराबर होंगे. तो इन दोनों केस में हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर हो रहे हैं, कोफिशिएंट हम नहीं कह सकते कि बराबर हैं या नहीं है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो कोफिशिएंट यहां पर बराबर नहीं होंगे, इनफैक्ट आपको ए की पावर भी अलग अलग मिलेंगी. ठीक है, तो यहां पर आपने ये ऑब्जर्वेशन किया. गाइस हमने मिडिल टर्म के ऊपर एक सिंपल सा एग्जांपल देख लिया, अब हम एक काम करते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ही है तो सबसे अच्छा है कि भाई हम क्या करते हैं कि जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो जब मैंने जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन देखे तो उनमें से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आई हूँ, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड. ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि मिडिल टर्म के ऊपर ही है, एंड ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था. ठीक है, 2019 का मतलब बिल्कुल रिसेंट में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन. ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से तो यू विल फाइंड कि भाई ये बहुत काफी सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें लिख देती हूँ मैं, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन
जेई मेन 2019. ओके, इसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें है कि द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन को मैं बी डॉट ई डॉट लिखना चाहूंगी. बी डॉट ई डॉट का मतलब है बाइनोमियल एक्सपेंशन, रिमेंबर इट. इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, किसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में पूछ रहे हैं ये, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 8 इक्वल टू 5076. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या, अच्छे से देखो अच्छे से इसमें. और बेसिकली कुछ आपके सामने ऑप्शंस भी थे, एक काम करते हैं ऑप्शंस पे लिख देते हैं. ऑप्शन नंबर ए था 6, ऑप्शन नंबर बी था 8, ऑप्शन नंबर सी था 0, ऑप्शन नंबर डी था 4. देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे. देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मीन्स एक्स की जितनी भी पॉसिबल रियल वैल्यूज हैं उन सभी का समेसन. ओके, पहले हम रियल वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर हम सभी का समेसन देखेंगे. फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल्स टू 507, मीन्स एक्स की उन सब रियल वैल्यूज का सम जिसके लिए इस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म हो रहा हो उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 5076 आ जाए. तो एक काम करते हैं, पहले मिडिल टर्म निकालते हैं. देखिए वी हैव इवन पावर, मींस मिडिल टर्म कितने होंगे, 1 होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पावर इज 8, इंडेक्स इज 8, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 9. तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितना होगा, 1. कौन सा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2, मींस 9 प्लस 1/2, मींस कौन सा टर्म हुआ, 10/2th टर्म, मींस हमारे पास आ चुका है 9 प्लस 1/2th टर्म, मींस दिस इज इक्वल टू 5th टर्म. सो वी हैव कि भाई के 5th टर्म इज मिडिल टर्म. अब नाउ व्हेन 5th टर्म इज मिडिल टर्म, इसको हम लिखना चाहेंगे t5. तो t5 को हम लिखेंगे t4 + 1, सो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू ncr, मींस 8c4, एंड x क्यूब अपॉन 3 इसकी पावर 8 माइनस 4 मींस 4, एंड 3 अपॉन x इसकी पावर 4. ओके, नाउ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 5076. ओके, लेट अस सॉल्व इट. जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड भाई कि 8c4, तो 8c4 निकालने का तरीका क्या है कि 8 से स्टार्ट करती हूँ, चार नंबर्स मींस आपके कौन से हो गए, दिस इज 8 7 6 5 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 24. ये आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक. नाउ यू आर गेटिंग, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 3 की पावर 4, और यहाँ पर मिलेगी x की पावर 12, और यहाँ मिलेगी आपको 3 की पावर 4, और ये मिलेगी x की पावर 4. अब देखिए 3 की पावर 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचा है 5076. लेट अस कैंसिल आउट, जो भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, 2 5 10, तो 10 को कैंसिल आउट. 5076 नहीं था यहाँ पर था 5670 था, माई मिस्टेक. द क्वेश्चन में यहाँ पर 5670 था, माई मिस्टेक, 1 मिनट, ये गलती से मैंने लिख दिया. क्वेश्चन पूछा गया दिस इज इक्वल टू 5670, नाउ दिस इज करेक्ट. अब देखिए अच्छे से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई 5670. तो 5670 तो यहाँ तक हमने काट दिया, यहाँ पर हमारा हुआ 2 × 5, तो 2 × 5 इक्वल टू 10, तो इससे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 567. अब देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो 7 को इससे कैंसिल आउट करेंगे, देन यू विल गेट 7 8 56, ठीक है, और 7 1 7, तो यहाँ पर यू आर गेटिंग 81. अब देखिए एक्स की पावर 12, यहाँ पर 4, तो कितनी हो जाएगी, ये ओवरऑल पावर होगी x की पावर 8, तो यहां पर आपका हो जाएगा x की पावर 8, दिस इज इक्वल टू 81. अब देखिए x की पावर 8 इक्वल टू 81 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 4, सो यू आर गेटिंग नथिंग बट x टू द पावर 8 माइनस 3 to the power 4, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहां पर आप देखना चाहेंगे अगर अच्छे से, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा भाई, यहां पर आपको ये मिलेगा, इसको आप देखो, ये आपका हो रहा है a² - b² को लिख सकते हैं a - b, मींस x टू द पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0. अब देखिए यहां से तो आपको ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0. अब बात समझ रहे हैं अच्छे से, तो ये तो आप भाई आपका 0 नहीं होगा. अब देखो यही आपका 0 हो सकता है, इसको भी अगर आप फर्दर देखेंगे तो आपका क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अगेन जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो आपके पास बच रहा है सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल रही है, एक मिली प्लस रूट थ्री एक मिली माइनस रूट थ्री। तो उनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, उनका सम होगा प्लस रूट थ्री प्लस माइनस ऑफ रूट थ्री, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो आंसर इज जीरो, जीरो इज करेक्ट आंसर। एक्चुअली क्या है कि मैंने गलती से उसकी वैल्यू कुछ और लिख ली थी, द करेक्ट वैल्यू फाइव सिक्स सेवन जीरो ये थी। ठीक है, अब देखिए अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपने क्या देखा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल था, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था मिडिल टर्म के ऊपर, आप लोग और कॉन्फिडेंट हो जाएं इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिडिल टर्म के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन 2004 में। तो एक काम करते हैं जल्दी से हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। मिडिल टर्म के ऊपर आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होंगे, काफ़ी आसान होंगे, आप आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लगेगा वो एक अलग बात है, लेकिन सॉल्व करने में यू विल फाइंड इट कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से हटा के मैं क्या लिखूँगी, जेई मेन 2004। अब देखिए अब जेई मेन 2004 मैंने लिखा तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें था कि द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बी डॉट ई, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 plus alpha x to the power 4 and 1 minus alpha x to the power 6 is same if alpha equals, ठीक है, एंड आपके सामने ऑप्शंस थे, ऑप्शन नंबर ए इज 3/5, ऑप्शन नंबर बी इज 10/3, ऑप्शन नंबर सी इज -3/10, ऑप्शन नंबर डी इज -5/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहें तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस इज सेम, मीन्स इसके जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म आ रहा है एंड इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म आ रहा है वो दोनों आपके क्या हो रहे हैं, वो दोनों आपके सेम हो रहे हैं। अगर ये दोनों के बाइनोमियल एक्सपेंशन मिडिल टर्म सेम हो रहे हैं इफ अल्फा इक्वल्स, मीन्स अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इन दोनों कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। अब देखो जल्दी से करते हैं इसको, आप लोग यूज्ड टू हो चुके होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4 plus 5, 4 plus 1, 5, तो आपके पास मिडिल टर्म कौन सा होगा, 5 plus 1/2 मींस थर्ड टर्म, यहां पर आपके पास मिडिल टर्म क्या आएगा, आपका T3 आएगा। तो इन दिस केस T3 विल बी मिडिल टर्म, तो T3 को हम क्या लिखेंगे, T2 plus 1, तो ये आपका हो जाएगा 4C2। ठीक है, और 1 की पावर 4 माइनस 2 वो तो आपका 1 ही हो जाएगा, एंड अल्फा एक्स इसकी पावर 2, ये हो चुका है। नाउ दिस इज इक्वल टू मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखिए यहां पर क्या है कि 6 है, इंडेक्स क्या है 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 7, तो मिडिल टर्म क्या होगा 7 plus 1/2, तो मींस 8/2 है टर्म, तो 8/2 कितना होता है 4, तो T4 हमारे क्या हो रहे हैं, मिडिल टर्म हो रहा है फोर्थ टर्म। तो इसको हम लिखना चाहेंगे T3 plus 1, तो T3 plus 1 को मैं क्या लिखूंगी 6C3, 1 की पावर आप जानते हैं कुछ भी हो भाई वो 1 ही होना है। ठीक है, 1 की पावर इनफैक्ट 3 हो रही है, यहां पर क्या होगा माइनस ऑफ अल्फा एक्स इसकी पावर 3। नाउ इफ दीज टू आर इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं तो आपका हो जाएगा 4C2। देखो 4C2 क्या होगा, आपका 4 से लेके लगातार दो नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे, 4 into 3/2 factorial, तो 2 होता है, यहां पर आपका आएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू,
दिस इज इक्वल टू. अब देखिए इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म. इन्होंने ये नहीं कहा था कि मिडिल टर्म इक्वल है, क्या पूछा था कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म. तो एक काम करते हैं, ये तो हमने मिडिल टर्म लिख लिए, हम किसको इक्वल करेंगे, वी विल मतलब हम देखेंगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ हम जो कोफिशिएंट्स उनको ही हम इक्वल रखेंगे. तो कोफिशिएंट इसमें क्या आ रहा है, इसमें कोफिशिएंट आपका ये आ रहा है. इस केस में कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट मींस व्हाटएवर इज मल्टीप्लाइड विद एक्स की पावर, मींस एक्स की पावर के साथ जो भी मल्टीप्लाइड हो. अब देखिए यहां पर माइनस ऑफ वन का क्यूब मतलब ये माइनस आ जाएगा माइनस 63 आपका होगा 6 से लेकर लगातार 3 नंबर, तो मतलब कितना हो गया 654 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मींस 6 इनटू यहां पर आ जाएगा आपका अल्फा क्यूब. तो ये आपका ये कोफिशिएंट मिलेगा इस जगह से, इसका कोफिशिएंट मिलेगा आपको इस जगह से. नाउ इफ दीस टू आर इक्वल तो यहां पर देखेंगे आपका हो जाएगा 2, ठीक है. तो ये आपका 6 हो गया, तो यहां से मिल रहा है आपको 2 से यहां भी काट सकते हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा 2. तो यू आर गेटिंग भाई के 3 अल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 टू जा 10 अल्फा क्यूब, ठीक है. तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका क्या आ जाएगा, इसको आप इस साइड भेजेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 10 दिस इज इक्वल टू अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर मीन्स अल्फा. सो यू आर गेटिंग भाई अल्फा इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3. तो अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी थी, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस 3 अपॉन माइनस 10 अपॉन 3. सो यू आर गेटिंग भाई की जो अल्फा की वैल्यू है आपकी वो हो रही है माइनस 3 अपॉन 10, अरे सॉरी माइनस 3 अपॉन 10 है यहाँ पर, तो माइनस 3 अपॉन 10 लिखा है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 10. तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत सिंपल था, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. लेकिन अगर आपको कंसेप्ट का मिडिल टर्म नहीं पता है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सोचेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है. अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सॉल्व करेंगे उन कंसेप्ट के ऊपर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर हम एक काम करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि देखो जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स फाइंड करना, तो उसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आया था जेई में 2019 में आया था. तो एक काम करते हैं उस क्वेश्चन को भी हम देख ही लेते हैं. तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, जेई में 2019 का क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट. देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं भाई कि आपको ये बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, मैं क्वेश्चन को लिख ही देती हूँ, क्वेश्चन आपका है द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ इन द बी डॉट ई का मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 7 की पावर 1 अपॉन 5 माइनस 3 की पावर 1 अपॉन 10, ठीक है, 3 की पावर है ये 1 अपॉन 10 और होल टू द पावर आपकी कितनी है 60 इज. एंड योर ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए इज ऑब्वियसली 55, ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज 49, ऑप्शन नंबर सी इज 48 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 54. ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, जिन बच्चों ने मतलब सेकंड लेक्चर को देखा हुआ है आप सभी ने देखा होगा. देखिए आपके लिए बहुत आसान हो गया, आपको क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, रिमेंबर दे आर नॉट आस्किंग अबाउट रेशनल टर्म्स, ठीक है. उनको क्या चाहिए, इरेशनल टर्म चाहिए, उनको क्या चाहिए, इरेशनल टर्म्स चाहिए भाई, कि इरेशनल टर्म्स कितने हैं. अब देखिए इरेशनल टर्म्स की अगर हम बात करें तो भाई क्या है कि जितनी भी टोटल टर्म्स होंगे वो या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे. हमें क्या आता है, हमें आता है कि भाई हम नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. तो एक काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स. अब देखिए अच्छे से इसको, तो भाई हमें क्या करना है, हम पहले रेशनल टर्म्स फाइंड कर लेते हैं. तो इसका अगर जनरल टर्म देखोगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 60 CR, ठीक है, 60 CR TR प्लस 1 जो आपका होता है जनरल टर्म, 60 CR 7 की पावर 1 अपॉन 5 इसकी होल पावर आपकी क्या हो जाएगी 60 माइनस आर एंड माइनस ऑफ 3 की पावर 1 अपॉन 10 इसकी होल पावर आपकी कितनी हो जाएगी आर
और ये आपको देखना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये देखना है कि भाई ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, तो कंसेप्ट क्या लगेगा, सॉरी कंसेप्ट क्या लगेगा आपका, कंसेप्ट आपका यही लगेगा भाई कि आपको क्या देखना है कि ये देखिए 7 और 3 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको अगर चाहिए कि भाई ये रेशनल होना चाहिए, तो आपको क्या चाहिए कि 7 की पावर भी क्या होनी चाहिए, कि इंटीजर होनी चाहिए, एंड आपकी जो 3 की पावर है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए। तो देखिए इंटीजर ही पावर देखते हैं, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इसको देख सकते हैं 60 CR, ठीक है। -1 की पावर आर को मैं बाहर ले लेती हूँ, -1 की पावर आर, ठीक है। बेसिकली इन्होंने क्या चाहिए कि रेशनल टर्म्स से, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इट डजंट मैटर। अब देखिए अच्छे से, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 7 की पावर 60/5, तो 60/5 ये कितना हो चुका है आपका, ये हो चुका है आपका 12, ठीक है। अब देखिए 12 - R/5 ये आपका कितना हो चुका है, ये आपका हो चुका है 3 की पावर R/10। अब नाउ 7 की पावर भी आपकी क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, 3 की पावर भी इंटीजर होनी चाहिए। तो 7 की पावर इंटीजर होने के लिए जो R होना चाहिए इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, और 3 की पावर इंटीजर होने चाहिए होने के लिए इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10। तो R 5 का मल्टीपल भी हो और 10 का मल्टीपल भी हो, साथ में 5 का मल्टीपल भी हो एंड 10 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई 10 का मल्टीपल हो जाए, क्योंकि अगर कोई 10 का मल्टीपल होगा तो ऑब्वियसली वो 5 का मल्टीपल तो हो ही जाएगा। तो हम देखते हैं कि भाई, अब देखिए R कहां से कहां तक हो सकता है, R ऑब्वियसली आपका 0 से लेके 60 तक हो सकता है। तो 0 से लेके 60 तक 10 के मल्टीपल्स आपको कौन-कौन से मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा 0 और उसके बाद आपको मिलेगा 10 20 30 40 50 60। आप देख सकते हैं कि आपको 7 वैल्यूज ऑफ R मिल रही हैं, जिसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर जो मतलब एक्सपेंशन, इसके टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल हो जाएंगे। सो यू आर गेटिंग टोटल 7 रेशनल टर्म्स। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इंडेक्स प्लस 1 मींस 61 माइनस 7, तो 61 माइनस 7 करोगे देन यू विल गेट 54। सो करेक्ट आंसर इज 54। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान था, बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इसी के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या है कि इस क्वेश्चन को जितना मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा उतना आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पर पेपर दे रही होती तो मैं क्या देखती, देखो ये भी प्राइम, तो इसकी पावर जो भी आएगी भाई, ये 60/5 थी, तो आप अपने आप में मल्टीपल हो गया 12 हो गया, तो 12 - R/5 यहाँ पर पावर कितनी आएगी आपकी, R/10 आएगी। तो हमने क्या देखा, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 से लेकर 60 तक 10 के मल्टीपल कितने होंगे, तो 10 20 इस तरह से देखेंगे तो आपको 6 मल्टीपल ये मिलेंगे, साथ में एक 0 तो 7 मिले, साथ में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 61, तो 61 माइनस 7 कितना हो गया 54 हो गया। मींस बिना पेन उठाए ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब यहां पर क्या है कि मुझे एक एक स्टेप एक्सप्लेन करना होता है भाई आप लोगों के लिए, कि जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए पेपर में आप बहुत ही इजीली बहुत फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि मोर देन 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी थी 16। मींस आप अगर देखा जाए, आपने अगर देखा तो 1 से 2 क्वेश्चन आया था हर शिफ्ट में 2019 में, 1 से 2 क्वेश्चन आया था। तो 2020 में अभी आपके 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन ना आए लेकिन 1 क्वेश्चन आपका कंफर्म आए बाइनोमियल थ्योरम से, एंड 1 क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स भी आपके रैंक को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में भी इसका लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर कभी कभी नहीं आता है तो इनडायरेक्टली इसका क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्या बोला है उन्होंने कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में बाइनोमियल का उन्होंने यूज ले लिया, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में उन्होंने बाइनोमियल का यूज ले लिया, तो वो किसी तरह से पूछ सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि काफी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें कि हम दूसरे चैप्टर्स का यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये आपका चैप्टर ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के लिए तो है ही, जेई एडवांस में भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के कंसेप्ट का यूज आपके दूसरे चैप्टर में आ सकता है। अब ना एक और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, चलिए हम एक काम करते हैं कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका पूछा गया था जेई मेन 2011 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका बेस्ड था कोफिशिएंट फाइंड करने के ऊपर बेस्ड था, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर जेई मेन 2011, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए अच्छे से। तो ये आपका है द कोफिशिएंट ऑफ
d coefficient of x to the power 7, x to the power 7 in the expansion of, किसके expansion में पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं भाई 1 माइनस x square प्लस x cube इसकी पावर 6 is, ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन से आपके ऑप्शन नंबर ए है ऑब्वियसली माइनस ऑफ 132, ऑप्शन नंबर बी है आपका माइनस ऑफ 144, ऑप्शन नंबर सी है 132 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 144, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 7। कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 7 का मतलब होता है वॉट एवर इज मल्टीप्लाइड विद एक्स टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग। अब आप मुझसे कहेंगे मैम मल्टीनोमियल तो पढ़ाया नहीं और आप मुझसे मल्टीनोमियल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, नहीं भाई ऐसा नहीं है। जब मैंने अपना पिछला लेक्चर पढ़ाया था उसमें आपने देखा था कि लग रहा होगा कि मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है, बट दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल। देखिए आपका ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आपका यहां पर 1 माइनस एक्स है। देखिए ये आपका कोई क्यूब नहीं बन रहा है, अगर आप देखना चाहें तो ये आपका 1 माइनस एक्स का क्यूब नहीं बन रहा है। तो एक काम करते हैं इनमें फैक्टर्स करके देखते हैं, तो यहां पर आपको 1 माइनस एक्स मिल गया, इसमें से मैं क्या करूं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स मिलेगा एंड होल टू द पावर 6, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ रहा है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आ रही है आपकी होल की पावर आ रही है 6। तो मैं इसको लिखना चाहूंगी भाई दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6। अब देखो कोफिशिएंट फाइंड करना है मींस व्हाट एवर इज मल्टीप्लाइड विद एक्स टू द पावर 7। अब हम क्या करेंगे भाई, कितने तरीके से पहले एक्स टू द पावर 7 बन सकता है, तो उसमें क्या होंगे उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा हम क्या करेंगे उन सभी को समेशन करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने कोफिशिएंट फाइंड करने में सीखा था। देखिए तो एक्स टू द पावर 7 कितने तरीके से बन सकता है, तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी भाई, डोंट फोकस ऑन दिस थिंग, फोकस ऑन दिस, क्योंकि यहां पर आपकी क्या है एक्स की बड़ी पावर मिल रही है, जिस भी ब्रैकेट में आपको एक्स की बड़ी पावर मिल रही है पहले उस पे फोकस करो, क्योंकि उस केस में आपको क्या होगा कि नंबर ऑफ केस आपको क्या करने पड़ेंगे कम बनाने पड़ेंगे। देखिए अगर आपने देखा तो एक्स की पावर यहां पर कौन कौन पॉसिबल है, ठीक है, पहले तो कोफिशिएंट किसका फाइंड करना है तो उसको हम यहां लिख देते हैं, x टू द पावर 7 का फाइंड करना है, तो यहां पर जो आपकी x की पावर है हम स्टार्ट करते हैं, वी आर स्टार्टिंग विद 0, अगर हमने यहां से लिया x टू द पावर 0 तो इस वाले ब्रैकेट से मुझे क्या लेना पड़ेगा x टू द पावर 7 लेना पड़ेगा, क्या मुझे इस वाले ब्रैकेट से x टू द पावर 7 का टर्म मिलेगा, नहीं मुझे इस वाले ब्रैकेट से x टू द पावर 7 का टर्म मिलेगा ही नहीं। अब जब मुझे इस वाले ब्रैकेट से x टू द पावर 7 का टर्म नहीं मिलेगा तो मींस ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं, अगर मैंने यहां पर लिया x स्क्वायर की पावर 1, ठीक है, तो x स्क्वायर की पावर 1 अगर मैंने यहां से लिया, देखिए एक काम करते हैं आप लोग कंफ्यूज ना हो क्योंकि मे बी आप लोग इतने यूज्ड टू ना हो, एक काम करते हैं इसको जनरल टर्म पहले लिख देते हैं, तो इसका जनरल टर्म आपका हो जाएगा 6cr, 1 की पावर तो आपकी कुछ भी रहे तो आपकी 1 रह जाएगी और माइनस ऑफ x इसकी पावर आपकी आ जाएगी r, इसका जनरल टर्म देखेंगे तो आपका हो जाएगा 6cr, 1 की पावर कुछ भी रहे और यहां पर आपका रहेगा माइनस ऑफ माइनस वन की पावर आर आ जाएगी, चलो उसको लिख देते हैं, और एक्स स्क्वायर की पावर आर, तो एक्स स्क्वायर की पावर आर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं भाई एक्स की पावर 2r, तो मैं इसको लिख देती हूँ एक्स की पावर 2r, तो मैंने स्टार्ट किया भाई इस पे हम देखते हैं तो x r की वैल्यू 0, तो कितनी पावर हुई यहां पर x की पावर 0, तो यहां से मुझे x की पावर 7 वाला टर्म लेना पड़ेगा जो कि मुझे यहां से नहीं मिलेगा। अब देखो r की वैल्यू अगर 1 हुई तो यहां पर मुझे क्या मिला x स्क्वायर, मींस वी हैव टू फाइंड x टू द पावर 5 फ्रॉम हियर, तो x टू द पावर 5 हम देखेंगे। अब देखना अच्छे से, तो अगर मैं x टू द पावर 5 देख रही हूं तो r की वैल्यू मुझे यहां से क्या लेनी पड़ी है 5 लेनी पड़ी है, मींस आपको मिलेगा 6c5, उसका कोफिशिएंट 6c5 * -1 की पावर 5, तो माइनस वन की पावर 5 कितना होता है आपका माइनस ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 65। अब यहां से मैंने क्या लिया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 लोगे तो यहां भी आपको नेगेटिव मिलेगा, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ दिस थिंग माइनस ऑफ 61। तो एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो चुकी है, इस पॉसिबिलिटी को हम रख लेते हैं अपने पास। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है कि भाई एक काम करें r की वैल्यू हमने 0 रखी 1 रखी 2 पुट करते हैं, तो
तो अगर r की वैल्यू 2 पुट की यहां से, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 मिलेगा। उसका कोफिशिएंट क्या होगा आपका, r की वैल्यू 2 मींस ये आपका हो जाएगा 6c2 माइनस 1 का स्क्वायर, मींस अपने आप में ये क्या हो चुका है, ये पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, अब जब मैंने x टू द पावर 4 यहां से ले लिया है, तो यहां से मुझे क्या लेना, सिर्फ x टू द पावर 3 लेना है। अगर x टू द पावर 3 लेंगे तो उसका कोफिशिएंट मुझे क्या मिलेगा, माइनस 1 की पावर 3, तो मींस नेगेटिव मिल गया, और यहां से मिलेगा आपको 6c3। तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो चुकी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमने क्या लिखा, r की वैल्यू 0 पुट की, 1 पुट की, यहां पर 2 पुट की। अब हम क्या करते हैं, r की वैल्यू 3 पुट करते हैं, वो भी पॉसिबल है। क्या मैं यहां पर r की वैल्यू 3 के बाद 4 पुट कर सकती हूं? अगर जैसे ही मैंने यहां पर r की वैल्यू 4 पुट की, देन यू विल गेट x टू द पावर 8। x टू द पावर 8 क्या होगा, ये आपका x टू द पावर 7 से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही आपका x टू द पावर 7 से बड़ा हो जाएगा, तब भाई हम x टू द पावर 7 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भाई यहां से x टू द पावर 6 तक ही ले सकते हैं। x टू द पावर 8 लिया तो यहां से मुझे क्या लेना पड़ेगा, x टू द पावर -1, और जो कि मुझे यहां से नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुझे यहां से x की पॉजिटिव पावर ही मिल रही है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बच रही है, व्हेन मैंने r की वैल्यू क्या ली, 3। तो r की वैल्यू 3 ली, दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 6। तो कोफिशिएंट क्या आएगा, ये आपका आएगा -1 की पावर 4। r तो मींस ऑब्वियसली आ चुका है, आपका नेगेटिव आ चुका है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6c3। ओके, माइनस ऑफ 6c3। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहां से मैं 6 ले चुकी हूं, तो यहां से मुझे कितनी पावर चाहिए, 1 पावर चाहिए, 1 पावर चाहिए, तो मींस इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 6c1 - 1। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6c1। अब ना एक काम करते हैं, जो भी आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अलग से मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहूंगी, तो मैं अलग से जगह पे लिख देती हूं। तो भाई ये आपको मिल क्या रहा है, तो अच्छे से देखो, 6c5। तो 6c5 को मैं लिखना चाहूंगी 6c1, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एक काम करो, r की वैल्यू को कम करो, तो जो 6c1 होगा उसकी वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 6। कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 6 × 6, ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब नाउ ये 6c2, तो 6c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 6 × 5/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 15। तो ये आपका आ चुका है प्लस 15 × −63 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 63 की वैल्यू देखना, ये आपका आ जाएगा 6 × 5 = 4 / 3 × 6, तो ये आपका आ चुका होगा 20, 15 × −20। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, इसमें 63 आपने यहाँ से नेगेटिव लिया, अगर आपने यहाँ से नेगेटिव लिया तो यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, यहाँ पर आपका आ चुका है नेगेटिव, तो मीन्स आपकी ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 63। 63 वैल्यू कितनी है, 20, तो ये आपकी आ चुकी होगी माइनस ऑफ 20, ये आपका आ गया माइनस ऑफ 20। अब ना 61 की वैल्यू आप जानते कितनी होती है, 6 ही होती है, तो ये माइनस ऑफ 6। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, तो ये आपका आ जाएगा, देखो प्लस प्लस वाला देख लेते हैं, तो ये आपका पहले तो आ जाएगा 6 × 20, तो मीन्स आपका आ जाएगा प्लस में 120। ठीक है, 120 ये यहाँ से आया आपका, मैं अलग से कैलकुलेट कर देती हूँ, तो ये आपका आया 120, दूसरा आपका आ गया 36, 120 प्लस 36, तो ये आपका हो चुका 6, 5, 156। अब देखो इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे, तो ये नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आपकी कितनी वैल्यू आएगी, तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ये तो जीरो तो एक आ ही जाना है, 15 टू जा कितना होता है 30, तो ये आपका आ चुका है माइनस ऑफ 300। अब इसमें से हम करेंगे, तो ये आपका ओवरऑल कितना आएगा, ये आपका आएगा 0 में से 6 गया 4, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 1, तो मींस यू आर गेटिंग माइनस ऑफ 144। माइनस ऑफ 144 इज करेक्ट आंसर, तो हमारा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस ऑफ 144। देखिए इसमें आपको क्या देखना था, x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड करना था। तो हमने देखा कितने तरीके से x टू द पावर 7 मिल सकता है, जितने तरीके से मिलेगा उसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड भी मिलेगा, तो एक काम करेंगे, जो भी मिलता जाएगा कोफिशिएंट उसको हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। अब देखिए जैसे आप इसको प्लस करने पर लग जाएंगे, तो यहां पर आपके साथ क्या होगा कि भाई हम सारी पॉसिबिलिटीज को देखेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज देखने के लिए हम इस वाले ब्रैकेट में फिक्स कर सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट में फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई इस वाले ब्रैकेट्स में हम देखते हैं पहले, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ केस क्या बनेंगे, आपके कम बनेंगे। जिस वाले ब्रैकेट में आपको x की ज्यादा पावर मिल रही हो, उसमें आपको नंबर ऑफ केस कम ही मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि x की पावर 0 ये पॉसिबल केस हो, x स्क्वायर वाला पॉसिबल केस हो, x टू द पावर 4 वाला पॉसिबल केस हो, x टू द पावर 6 वाला पॉसिबल केस हो। इसके बाद जैसे x टू द पावर 8 हुई, तो पॉसिबल केस हमारे पास नहीं बचेंगे। ओके नाउ, तो चार पॉसिबल केस थे, उसमें कि 0 वाला आपका पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि आपको यहां से क्या चाहिए, x टू द पावर 7, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इस तरह से किया, धीरे धीरे करके जो भी हमें कोफिशिएंट मिले हम उनको लिखते गए। इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, शॉर्टकट मेथड आपको बताना है, बताया था मैंने कैलकुलेट करने का, उससे आप कैलकुलेट कीजिए, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड वैल्यू, और रिक्वायर्ड वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है
कि दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 144. ठीक है, तो माइनस 144 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. एंड ये आपका क्वेश्चन जेई मेन का नहीं है, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन जेई एडवांस. ठीक है, ये आपका है जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ भाई, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था. ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जेई एडवांस 2014. ओके, अब देखिए जेई एडवांस जो 2014 का क्वेश्चन है, पहले आते हम इसको देख लेते हैं. दिस इज अ वेरी अच्छा क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं बहुत ही वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, ये भी आपको कोफिशिएंट फाइंड करने के ऊपर बेस्ड है. देखिए कोफिशिएंट फाइंड करने के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं आप प्रीवियस ईयर उठाना, तो कोफिशिएंट फाइंड करने के ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे. जैसे कि किसी क्वेश्चन ने बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर समथिंग, ठीक है, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे. एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाई देती हूँ, ये जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है. दैट इज कि भाई कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन पूछा था कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट को मैं इस तरह से लिखती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 11, एक्स टू द पावर 11 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन को बी डॉट ई डॉट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, किसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की पावर 12. अब देखिए हमें कॉफी, अब देखिए इसमें जो आपका जो क्वेश्चन था दिस वॉज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शंस भी आपके थे जे एडवांस में, वो थे फर्स्ट क्वेश्चन था 1051, ऑप्शन नंबर बी आपका था 1106, ऑप्शन नंबर सी आपका था 1113, ऑप्शन नंबर डी आपका था 1120. देखिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या था कि भाई यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 11. व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 11, तो मीन्स एक्स टू द पावर 11 देखो एक ब्रैकेट से तो मिलेगा नहीं, ये आपके तीनों ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन से मिलेगा. हो सकता है मैंने यहां से कोई टर्म उठाया, इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, तो तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर मुझे ओवरऑल पावर कितनी मिल गई, एक्स टू द पावर 11 मिल गई, ऐसा हो सकता है. अब देखिए जैसे आपको एक्स टू द पावर 11 ओवरऑल मिली, तो कितने पॉसिबल वेज हैं हमें उसको देखना है. पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि जहां पर x की पावर ज्यादा मिल रही है उसको फिक्स कर दो, क्योंकि उसको फिक्स करोगे तो आपका काम क्या होगा, अच्छा हो जाएगा. देखिए अगर मैं यहां किसको फिक्स करती हूं, पहले इस वाले ब्रैकेट को फिक्स करती हूं, तो जैसे मैं इस वाले ब्रैकेट को फिक्स करूंगी तो यहां से क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है देखो सबके मैं जनरल टर्म लिख लेती हूँ, इसका जनरल टर्म आपका हो जाएगा, ये आपका होगा 12 CR, 1 की पावर तो कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, एक्स टू दी पावर 4 की पावर आर, मीन्स एक्स टू दी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4R हो चुकी होगी. ओके ये आपका इसका हो गया. नेक्स्ट इसका अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 7 CR. ओके यहां से आपको क्या मिलेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगी, एक्स क्यूब टू दी पावर आर, मीन्स एक्स टू दी पावर आपको क्या मिलेगी यहां से 3R, इसका जनरल टर्म लिखूंगी तो मुझे मिलेगा 4CR. ओके और यहां से आपको मिलेगा, देखना 4CR ये मिलेगा आपको. अब x की पावर क्या क्या मिल सकती है, देखिए x की पावर आपको मिलेगी यहां से x स्क्वायर की पावर r, मींस x टू द पावर 2r. अब देखना यहां पर अगर देखो तो आपको x की क्या पावर मिल सकती है, देखिए आपको पावर हो सकता है हमने r की वैल्यू 0 पुट की तो आपको मिली x की पावर 0, मींस कांस्टेंट. यहां से हो सकता है आपको r की वैल्यू 1 पुट की तो x टू द पावर आपको 4 मिल रही है, अगर 2 पुट की तो x टू द पावर 8 मिल रही है, 3 पुट की तो x टू द पावर 12 मिल रही है, तो मींस आपको क्या-क्या पावर मिली है, इधर x टू द पावर 0 4 8 12. हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11. तो अगर मैं 0 लूंगी तो मेरा काम बन सकता है भाई, 14 लूंगी तो भी मेरा काम बन सकता है, अगर मैंने 8 लिया तो भी मेरा काम बन सकता है. तो यहां से मुझे कितने केस मिल रहे हैं, 3 केस मिल रहे हैं. क्या मैं यहां से x टू द पावर 12 वाला टर्म ले सकती हूं? नो, क्योंकि अगर मैंने x टू द पावर 12 वाला टर्म लिया तो मैं x टू द पावर 11 को बना ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे इन दोनों ब्रैकेट से किसकी हेल्प लेनी पड़ी होगी, x टू द पावर -1 की, तभी तो x टू द पावर 11 मिलेगा, और x टू द पावर -1 इन दोनों ब्रैकेट से मुझे नहीं मिलने वाला. तो मैं क्या करूंगी भाई, मैं ये करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ मैं 3 केस लूंगी, कौन सा, 1 x की पावर 0 4 8 12 और 12 के बाद वाले केसेस हमें नहीं चाहिए, जैसे कि 12 मिलेगा 16 मिलेगा को, क्योंकि वो पावर्स ऑलरेडी x टू द पावर 11 से क्या हो गई, ज्यादा हो गई है. ठीक है देखो, तो अगर मैंने यहां से क्या लिया, x टू द पावर 0 लिया, क्या लिया यहां से, x टू द पावर 0 लिया, तो x टू द पावर 0 लिया तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट मुझे मिलेगा क्या, 12 c 0. अब जब मैंने x टू द पावर 0 यहां से ले लिया है तो
तो इन दोनों ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन से मुझे क्या चाहिए, x टू द पावर 11 चाहिए। अब देखो 11 किस तरह से बन सकता है, 11 देखो किस तरह से बन सकता है, अगर मैंने यहाँ पर क्या रखा, अगर मैंने यहाँ पर रखा 0 तो यहाँ पर पावर 0 मिली, तो ओवरऑल 11 पावर मुझे कहाँ से चाहिए होगी, यहाँ से चाहिए होगी। अगर मैं देखूँ क्या यहाँ पर मुझे 11 मिल सकती है पावर, नो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम पावर 8 है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर रखा मैंने आर इक्वल टू 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिला एक्स क्यूब, अगर मुझे यहाँ से मिला एक्स क्यूब तो मुझे यहाँ से कितनी पावर चाहिए, 8 पावर चाहिए, 8 पावर चाहिए, मीन्स 2r इक्वल टू 8, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी मुझे मिली, मुझे 4, तो यहाँ से मैंने क्या लिया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, r की वैल्यू 1, मीन्स आपका हो जाएगा 7c1। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए x टू द पावर 8, तो x टू द पावर 8 का मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू क्या हुई आपकी, r की वैल्यू यहाँ पर हो गई आपकी 4, तो कोफिशिएंट क्या होगा 4c4। तो एक तो ये पॉसिबल केस हो गया कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बन गया, x टू द पावर 11 बन चुकी है। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल केस, अभी मैंने r की वैल्यू 0 रखी, वो तो पॉसिबल नहीं था, 1 रखी तो उससे पॉसिबिलिटी देख ली। अब मैंने यहाँ पर क्या रखी, r की वैल्यू 2 रखी, तो अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू 2 रखूंगी तो यहाँ पर मुझे क्या मिली, x की पावर 6 मिली, तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए पड़ेगी, x की पावर 5 चाहिए पड़ेगी ओवरऑल पावर 11 बनाने के लिए। अब भाई x की पावर 5 क्या मुझे यहाँ से मिलेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इवन पावर मिल सकती है, तो वो वाला केस भी मुझे नहीं चाहिए, मीन्स 0, 1, 2 वाला केस दे चुके, अब 3 वाला केस भी आते हैं। तो जब मैंने x की पावर यहाँ से मतलब r की वैल्यू मैंने 3 ली, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 9। अब देखो जब मैं 3 की बात बोल रही हूँ, r की वैल्यू 4, तो r की वैल्यू 4 मीन्स x की पावर कितनी होगी 12, तो 11 से बड़ी, तो वो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे कहाँ तक जाना था, x के यहाँ पर मुझे r की वैल्यू 3 तक ही जाना था। तो r की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 3 रखी, तो x की पावर कितनी बनी 3 × 3 9, तो यहाँ से मुझे मिली x की पावर 9, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा 7c3, ठीक है। अब मुझे यहाँ से 9 मिल चुकी है पावर, तो 11 बनाने के लिए मुझे और कितनी चाहिए 2, तो यहाँ से मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, मींस 2r = 1, मींस r = 2, तो r = कितना हुआ 1, तो r = 1 रखेंगे तभी मुझे x की पावर क्या मिलेगी 2 मिलेगी, तो कोफिशिएंट उसका क्या होगा 4c1। एक पॉसिबल केस आपका ये हो चुका है, आर यू गेटिंग इट। हमने क्या किया भाई, हमने देखा कि r की यहाँ पर आपकी क्या पॉसिबल थी, यहाँ पर आपकी पॉसिबल थी कि भाई x की पावर मैं 0 लूँ, या मैं क्या लूँ 4 लूँ, या मैं क्या लूँ यहाँ से 8 लूँ, 12 मुझे नहीं चाहिए, वो ज़्यादा हो जाएगी। जब मैंने x की पावर यहाँ से 0 ले लिया, तो अब इन दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मुझे कितनी पावर चाहिए, ओवरऑल 11 चाहिए। 11 के लिए भाई मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट किया, जब यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ से मुझे कितनी पावर चाहिए होगी 11, जो कि नहीं मिल पाएगी। जब मैंने यहाँ 1 रखा, तो यहाँ पर आपकी r की वैल्यू 1 रखी, तो आपको x क्यूब मिला, x क्यूब मीन्स यहाँ पर x टू द पावर 8 चाहिए, तो उन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने r की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी, तो यहाँ पर पावर कितनी मिली 6, जैसे यहाँ से 6 पावर मिली, तो मुझे यहाँ से कितनी चाहिए 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब मैंने r की वैल्यू 3 रखी, तो पावर कितनी मिली 9, तो यहाँ से कितनी चाहिए 2, तो यहाँ से x की पावर 9 का कोफिशिएंट, यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं अगर r की वैल्यू 4 रखूंगी, तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगी 12, तो 11 से ज्यादा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। अब इसका मैंने एक केस देख लिया व्हेन x टू द पावर 0, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं कौन सा, व्हेन x टू द पावर 4, तो जब x टू द पावर 4 है, तो r की वैल्यू कितनी हुई 1, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 12c1। अब देखो इन दोनों के पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, अब जब मैं ऑलरेडी यहां से x टू द पावर 4 ले चुकी हूं, तो 11 बनाने के लिए इन दोनों को मिला के मुझे x की पावर कितनी चाहिए, मैं ऑलरेडी यहां से क्या ले चुकी हूं 4 ले चुकी हूं, तो इन दोनों को मिला के मुझे कितनी चाहिए 7 ही चाहिए, क्योंकि 7 + 4 = 11, तो जब मुझे इन दोनों को मिला के 7 चाहिए, देखो 7 कैसे बन सकता है, अगर मैंने यहां से 0 लिया, मतलब r की वैल्यू 0 ली, तो क्या तो यहां से पावर कितनी मिलेगी 0, तो क्या यहां से मुझे x टू द पावर 7 मिल सकती है, नहीं नहीं मिल सकती। ध्यान रखना अभी हम किसके किसको खोज रहे हैं, अभी हम खोज रहे हैं x टू द पावर 7 को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। अब जब मैंने यहाँ पर 1 वैल्यू रखी, तो 1 वैल्यू रखी मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा x क्यूब, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 7c1। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए x टू द पावर 4 चाहिए, x टू द पावर 4 चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2r की वैल्यू कितनी हुई 4, x टू द पावर 4 कम मिलेगी, इवन r की वैल्यू क्या होगी 2, तो उसका कोफिशिएंट हो रहा होगा आपका 4c2। अब देखो हमने क्या रख लिया, r की वैल्यू हमने रख ली मतलब यहाँ पर 0 और 1, अब मैं 2 रखती हूँ, जैसे मैं 2 रखूंगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पावर 6, तो यहाँ से पावर 1 जो कि पॉसिबल नहीं है। अब मैं अगर r की वैल्यू 3 रखूँ तो कितना हो जाएगा 9, जो कि 7 से ज़्यादा हो चुका है, तो यही पॉसिबिलिटी थी, हमने इसको लिख लिया। ओके फाइन, अब देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी भाई मैंने यहाँ से 0 ले ली पावर, 4 ले ली, अब 8 लास्ट के से 8 जब मैंने यहाँ से ली, तो जब कोफिशिएंट ऑफ मीन्स x टू द पावर 8 देखना है, तो x टू द पावर 8 कब बनेगी, व्हेन r की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी, तो r की वैल्यू 2 होगी, तो यहां से कोफिशिएंट क्या मिलेगा आपको 12c
टू। अब देखो जब आप यहां से 8 ले चुके हो ओवरऑल पावर, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे कितनी पावर चाहिए? मुझे ओनली एक्स क्यूब चाहिए, बिकॉज एक्स टू दावर 8 इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स टू दावर 11। अब एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब कैसे मिल सकता है? अगर मैंने यहां पर 0 रखा तो पावर 0, तो यहां से मुझे क्या चाहिए? 3 पावर, मतलब यहां से ऑड पावर, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैंने आर की वैल्यू यहां से क्या रखी? 1 रखी, तो अगर मैंने आर की वैल्यू यहां पर 1 रखी तो पावर कितनी मिल गई? 3। 3 मिल गया, उसका कोफिशिएंट क्या होगा? आर की वैल्यू 1 मींस 7c1। अब यहां से मैं x क्यूब ऑलरेडी ले चुकी हूं, तो यहां से मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए? इसका मुझे कोफिशिएंट चाहिए x क्यूब ओवर 0 वाला, तो x क्यूब ओवर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा? r की वैल्यू 0 मींस 4c0। अब जैसे मैंने r की वैल्यू यहां से 1 से ज्यादा रखी, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी? 6, 3 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इन तीनों का जो समेशन होगा, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन दिस। अब देखिए क्या है कि जब मैं आपको समझा रही हूं तो मुझे एक एक चीज समझाना पड़ता है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप जब खुद हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको किसी को समझाने नहीं, फटाफट आपने देखा बस इसमें लिखा जल्दी से, इस तरह से आपका आंसर आ गया। देखिए, और हमेशा याद रखना, जहां पर एक्स की पावर ज्यादा मिल रही है जिस ब्रैकेट में, हमेशा उसमें नंबर ऑफ केस बनाना, क्योंकि अगर इससे बनाएंगे तो आपको बहुत केस मिलेंगे, इससे बनाएंगे तो आपको और कम, इससे बनाएंगे तो आपको सबसे कम नंबर ऑफ केस मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 3। ओके, अब देखिए इसको आप देखेंगे अच्छे से, तो 12c0 इज 1। ओके, ये आपका हो चुका होगा 7c1, ये आपका 7 होता है, 4c4 दिस इज 1, ठीक है, मतलब 1 इंटू आपको 1, ये आपको मिल गया ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 1 ये मिला, प्लस 7c3, तो 7c3 को मैं अलग से फाइंड करती हूँ, 7 से लेकर लगातार 3 नंबर 7, 6, 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6, तो ये कितना मिला हमें? 35, तो ये मुझे मिल गया 35। लेट मी चेंज माई चॉक। ओके, देखिए तो यहाँ से आपको मिल चुका है 35। अब 35 के बाद देखना, ये आपका 7c3 इंटू 4c1, 4c1 कितना होता है? 4, तो मैंने इसको लिख दिया, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी 12c1, इसकी वैल्यू होती है आपकी 12, मतलब nc1 की वैल्यू हमेशा n होती है, ठीक है, ये आपकी, इसलिए 12 लिखा मैंने। 7c1 कितना हो गया? 7। 4c2 अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कितना होता है? 6, तो 7 इंटू 6, प्लस 12c2, तो 12c2 मीन्स 12 से लेकर लगातार 2 नंबर 12, 11 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 66, तो 66 इंटू 7c1 कितना होता है आपका? 7c1 इज नथिंग बट ये आपका हो चुका है पूरा का पूरा 7, और 4c0 मतलब आपका 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 35 इंटू 4, तो 4 5 20, तो आपको मिला 0, 4 3 12 14, ठीक है, तो आपको मिल गया यहाँ से 140 मिल गया, 140 प्लस यहाँ से मिल गया आपको 7, प्लस देखिए यहाँ से 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका? 42 इंटू 12, तो 42 इंटू 12 आप करने जाएंगे तो आपका मिलेगा यहाँ से 12 2 जा 24 2 कैरी 12 4 जा 12 4 जा 48 504, तो यहाँ से मिल चुका है आपको 504। ओके, अब यहाँ पर देखिए 7 6 8 कितना हो गया आपका? 42, 7 6 42 और 4 46। अब इन दोनों को, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, देखिए 7 प्लस 0 7 4 11 11 और 2 कितना हो गया आपका? 13, 3 1 कैरी आई, 1 कैरी इसमें प्लस करेंगे 6 प्लस 1 7 7 और 4 कितना हो गया आपका? 11 11 और 1 कैरी मिली, 1 कैरी मिली इसको प्लस करेंगे तो 5 प्लस 5 10 और 10 प्लस 1 11, तो 1 1 1 3 ये आपको मिल रहा है। क्या ये किसी ऑप्शन में है? यस भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपकी मेहनत सक्सेसफुल हुई एंड आपने यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 11। देखिए कोफिशियंट फाइंड करना, आपने देखो जब आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से आपको पढ़ाया, पहले हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए कोफिशियंट फाइंड करने के, फिर हमने क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाया, फिर मैंने जेई मेन के क्वेश्चन आपको करवाए, अब मैंने जेई एडवांस के क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप कोफिशियंट का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब देखना, कुछ क्वेश्चन कोफिशियंट वाले अभी मैंने नहीं करवाए, क्योंकि उसमें क्या बनती है कि आपकी सीरीज बन जाती है, तो सीरीज का हमें समेशन चाहिए, तो सीरीज का समेशन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उससे भी आपके बाइनोमियल थ्योरम में प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन आए हैं। ओके गाइस, तो गाइस आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, तो आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा भाई, कि एक्चुअल में अगर आपके एग्जाम में जेई मेन या जेई एडवांस में आपके सामने क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है, तो आप इसको देख पाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी, एंड साथ में हमारा एक और कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का,
उसको भी हम देख लेंगे. ओके गाइज, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. बाय फॉर नाउ एंड कीप वॉचिंग अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.